हेलो फ्रेंड्स, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर एक, तो प्रश्न नंबर एक है भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार हैं। तो वन का ऑप्शन नंबर ए मैक्स मूलर। क्वेश्चन नंबर दो, भारत से हम क्या सीखे क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी भाषण है। क्वेश्चन नंबर तीन, मैक्स मूलर थे उपयुक्त सभी। तीन का ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर चार, मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था। मैक्स मूलर के पिता का नाम विल हेल्म मूलर है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर पाँच, विश्वविख्यात विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था। तो पाँच का ऑप्शन नंबर बी जर्मनी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर छः, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है। तो मैक्स मूलर को कहा है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर सात, मैक्स मूलर ने किस वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। सात का ऑप्शन नंबर डी 18 में। क्वेश्चन नंबर आठ, मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था। मैक्स मूलर का जन्म 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर नौ, मैक्स मूलर ने नया सिकंदर किसे कहा है। नौ का ऑप्शन नंबर डी युवा अंग्रेज अधिकारियों को। क्वेश्चन नंबर दस, मैक्स मूलर के अनुसार भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन है। दस का ऑप्शन नंबर डी संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 11, सर विलियम जॉन्स समुद्र यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे। तो 1783 ईस्वी में पहुंचे थे। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 12, वारेन हस्टिगस कहाँ का गवर्नर जनरल था। 12 का ऑप्शन नंबर ए भारत का। क्वेश्चन नंबर 13, मैक्स मूलर की दृष्टि में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है। 13 का ऑप्शन नंबर सी भारत। क्वेश्चन नंबर 14, दारिस क्या है। 14 का ऑप्शन नंबर ए सोने के सिक्के। क्वेश्चन नंबर 15, दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था। 15 का ऑप्शन नंबर सी वारेन हस्टिगस को। क्वेश्चन नंबर 16, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। 16 का ऑप्शन नंबर बी नीति कथा। क्वेश्चन नंबर 17, सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है। यदि आप मुझे इस भूमंडल का अवलोकन करने के लिए कहें तो
बताऊंगा कि वह देश है भारत। तो 17 का ऑप्शन नंबर बी, भारत से हम क्या सीखें से है। क्वेश्चन नंबर 18, मैक्स मूलर ने कट और केन, मैक्स मूलर ने कट और केन आदि उपनिषदों का किस भाषा में अनुवाद किया। 18 का ऑप्शन नंबर सी, जर्मन भाषा में। क्वेश्चन नंबर 19, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया। 19 का ऑप्शन नंबर ए, मैक्स मूलर ने। क्वेश्चन नंबर 20, यदि आप भूविज्ञान में रुचि रखते हैं तो हिमालय से श्रीलंका तक का विशाल भूप्रदेश आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। तो 20 का ऑप्शन नंबर बी, भारत से हम क्या सीखें, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 21, मैक्स मूलर के अनुसार वह कौन सा देश है जो हैकर्स जैसे अनेक वनस्पति को अनायास ही अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। 21 का ऑप्शन नंबर सी, भारत। क्वेश्चन नंबर 22, किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने से भरा घड़ा मिला था। 22 का ऑप्शन नंबर डी, वॉरेन हास्टिंग्स को। क्वेश्चन नंबर 23, वॉरेन हास्टिंग्स के समय वाराणसी में कितने दारिश नामक सोने के सिक्के मिले थे। 23 का ऑप्शन नंबर सी, 172। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सी भाषा और उसका साहित्य यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से भी कहीं अधिक विशाल रहा है। 24 का ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 25, प्लेटो और कांट का अध्ययन करने वाले यूरोपियन लोगों के मनन योग्य देश है। 25 का ऑप्शन नंबर बी, भारत। 25 का ऑप्शन नंबर बी, भारत सही है। क्वेश्चन नंबर 26, हैकर्स थे। 26 का ऑप्शन नंबर बी, वनस्पति वैज्ञानिक। क्वेश्चन नंबर 27, महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। 27 का ऑप्शन नंबर बी, मैक्स मूलर को। क्वेश्चन नंबर 28, मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण भारत में। क्वेश्चन नंबर 29, मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया। उनतीस का ऑप्शन नंबर सी, मैक्स मूलर ने। क्वेश्चन नंबर 30, मैक्स मूलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा है, तो 30 का ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद ने। क्वेश्चन नंबर 31, प्लेटो और कांट थे। 31 का ऑप्शन नंबर बी, महान दार्शनिक। क्वेश्चन नंबर 32, सच्चा भारत कहाँ बसता है। 32 का ऑप्शन नंबर ए, गांवों में सच्चा भारत बसता है। क्वेश्चन नंबर 33, कंठ और केन का जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया। 33 का ऑप्शन नंबर डी, मैक्स मूलर ने। क्वेश्चन नंबर 34, भारत का सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है।
भारत का सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है? 34 का ऑप्शन नंबर सी, गांवों में। क्वेश्चन नंबर 35, संस्कृत की पहली विशेषता क्या है किसकी? क्वेश्चन नंबर 35, संस्कृत की पहली विशेषता है इसकी। 35 का ऑप्शन नंबर ए, प्राचीनता की। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 36, शाहनामा का रचनाकाल है, छत्तीस का ऑप्शन नंबर ए, दसवीं ग्यारहवीं सदी। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 37, निडीवंश विद्या का संबंध किससे है? 37 का ऑप्शन नंबर बी, मानव विज्ञान से। क्वेश्चन नंबर 38, मैक्स मूलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? 38 का ऑप्शन नंबर सी, मेघदूत का।